नमस्कार, FAQ सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे ज़्यादा बच्चों ने कमेंट किया है कि क्योंकि आपका हाई कोर्ट RO और ARO का जो है फॉर्म लाइव हो चुका है, आप लोग फॉर्म भी फिल किए होंगे, तो वहाँ पे बच्चों का मैक्सिमम जो एक डाउट आ रहा है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेकर आ रहा है। क्योंकि आपको जो यहाँ पे पूछा गया है, एक तो CCC वाला है, एक ओ लेवल वाला है, तो बच्चे तो ये कन्फर्म हो रहे हैं कि क्या ओ लेवल ज़रूरी है या CCC ज़रूरी है। चाहे जो टेक्निकल बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि वो लिखा ही कुछ ऐसा है और जब फॉर्म आप फिल करेंगे तो आपको सिर्फ 3 बॉक्स आपको वहाँ पे टिक करना है कंप्यूटर क्वालिफिकेशन वाले में, ठीक है। तो वो डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है, किसको किसको जो है हाई कोर्ट जो है मान्य करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और किसे किसे बाहर करता है। तो चलिए, जो 3 एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने दिया है, तो सबसे पहला एसेंशियल तो आपके पास क्या होना चाहिए कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो पहला तो आपको मस्ट है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, कोई लेना देना नहीं है। आप बीटेक हो, ठीक है, आप MSc किए हो, चाहे आप कुछ भी किए हो, BA किए हो, BSc किए हो, MBA किए हो, आप ग्रेजुएशन के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो तो आप ग्रेजुएट हो, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया तो आप सभी लोग, जितने लोग फॉर्म भरोगे, तो ग्रेजुएट होना तो कंपलसरी है, ठीक है। चाहे वो 3 साल वाला कोर्स हो, चाहे 4 साल वाला कोर्स है, चाहे इंटीग्रेटेड 5 साल वाला कोर्स है, तो आप ग्रेजुएट हो। नेक्स्ट है आपका जो ये लाइन लिखा गया है वो आपको ज्यादा, क्योंकि आपको जब फॉर्म फिल करोगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, सेकेंड स्टेप में जब फॉर्म फिल करेंगे आप, आपको 3 स्टेप ये दिखेगा कंप्यूटर क्वालिफिकेशन में। एक डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। दूसरा CCC सर्टिफिकेट और ओ लेवल सर्टिफिकेट, इन तीनों में से कुछ भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन कंफ्यूजन सबसे ज्यादा ये बन गई है जो टेक्निकल बच्चे हैं, जो डिप्लोमा किए हुए हैं, जो 6 महीने का 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स किए हुए हैं, वो परेशान है क्योंकि वो चीज यहां नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो परेशान नहीं आपको होना है, क्योंकि डिग्री वाले तो और परेशान है, जो BSc IT किए हुए हैं, MSc में IT किए हुए हैं, वो और परेशान है बेचारे, क्योंकि वो कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। लिखा है डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस का मतलब BTEC CS एंड IT। मैक्सिमम बच्चे यही थॉट अपने दिमाग में लाते हैं, BTEC CS एंड IT इज ओनली एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। नहीं, ऐसा नहीं है, ये वहम है आपका। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि जो इससे पिछली वाली जो वैकेंसी थी, उसमें जो भी बच्चा कंप्यूटर के अलग ब्रांच से था, चाहे वो BTEC इलेक्ट्रिकल हो, EC हो, ठीक है, मैकेनिकल हो, सिविल हो, क्योंकि उनके हर एक सेमेस्टर में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट होता है, तो 6 महीने का हो गया। CCC सर्टिफिकेशन का कोई ऐसा कोर्स नहीं होता है कि आप 3 महीने का या 4 महीने का कोर्स कर लो, ये कभी भी आप फॉर्म फिल करके इसका एग्जाम दे सकते हो, आपकी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चेक होती है और पास हो जाते हो। तो बस वही अंडरस्टैंड आपको करना है कि क्या मेन है, कि अगर आप BTEC कंप्यूटर को छोड़ के किसी भी ब्रांच से हो, चाहे आप EC से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे आप सिविल के हो, चाहे आप मैकेनिकल के हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, BTEC किसी भी ब्रांच से, देखो कंप्यूटर वाले तो एकदम क्लियर है, लिखा है कंप्यूटर साइंस और IT, लेकिन जो भी बच्चा BTEC EC हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, अगर आपने एक सेमेस्टर में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट अगर आपने एक सेमेस्टर में पढ़ा है, ठीक है, एक सेमेस्टर में पढ़ा है, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट आपके मार्कशीट पे लगा हुआ है तो वो आप एलिजिबल हो। तो उस केस में आपको चूज क्या करना है, फॉर्म फिल करते समय CCC करना है या ओ लेवल या ये करना है। तो आप लोग अगर किसी भी, चाहे वो BSc वाला बच्चा हो, ये भी ध्यान लो, चाहे आप BSc IT से हो, चाहे BSc CS से हो, चाहे MSc IT से हो, ठीक है, चाहे MSc CS से हो, जो भी आपने एज ए कंप्यूटर अपने ग्रेजुएशन में, एक बात और, कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन में अगर सब्जेक्ट लिया है कंप्यूटर, कोई भी ग्रेजुएशन, कई बच्चे होते हैं जो BA के कर रहे होते हैं उसमें भी कंप्यूटर लेते हैं, तो सब्जेक्ट अगर आपने कोई भी कंप्यूटर लिया है और 1 साल तक पढ़ा है आपने कंप्यूटर, तो आप एलिजिबल हो, ये ध्यान रखना। अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट एज ए कंप्यूटर पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो। उस केस में आपको फॉर्म फिल करते समय इसी पर टिक लगाना है, डिग्री और डिप्लोमा वाले पर, क्योंकि आपने डिग्री में
कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उससे ये ना सोच के कंफ्यूज होना कि डिग्री इन कंप्यूटर साइंस लिखा है तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल है। नहीं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, बीएससी में अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है, बीए में कंप्यूटर पढ़ा है, जो भी आपने ग्रेजुएशन में एज ए कंप्यूटर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है वो आप एलिजिबल हो। बाकी बात कर लेते हैं जो आप लोग डिप्लोमा वाले हैं, जैसे पीजीडीसीए है, ठीक है, पीजीडीसीए है, ठीक है, एडीसीए है, ठीक है, डिप्लोमा वाले, और उसके बाद से आपके कौन से हैं, बीसीए वाले आ जाते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जो भी मैंने बताया ये तो आपका ग्रेजुएशन ही हो गया, ग्रेजुएशन एज ए कंप्यूटर हो गया, तो वो भी आप क्या मारोगे, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस वाला, मतलब यही वाला जो आपके कंप्यूटर क्वालिफिकेशन के कॉलम में दिया है, आपको एक चूज करना है तो आप इसी को चूज करोगे। और जो पीजीडीसीए किया है, एडीसीए किया है, जो भी कोई भी कोर्स, डिप्लोमा का कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया है, कोई भी डिप्लोमा का कंप्यूटर कोर्स किया है आपने, अगर आपकी संस्था फर्जी वाला नहीं, ये ध्यान रखना, फर्जी संस्था वाला नहीं, अगर आपका जो संस्था है वो यूजीसी और गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, और उससे आपने 6 महीने का या साल भर का कोई भी कंप्यूटर का कोर्स किया है, 6 मंथ या 1 ईयर का कोई भी कोर्स आपने किया है, यूपी कोपा वाले भी कहते हैं वो भी एलिजिबल है, तो वो कहां आएंगे, क्योंकि वो डिप्लोमा लग जाता है उनके आगे, तो वो भी क्या चूज करेंगे, डिप्लोमा। बाकी जिसके पास भैया ट्रिपल सी है, ओ लेवल है, तो वो तो आप यही चूज करो, वो बेटर रहेगा। अब इनके पास थोड़ा सा दिक्कत आएगी कब, जब आप डॉक्यूमेंट, अभी फॉर्म में कुछ नहीं होगा, आप यही फिल करो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तीन ही ऑप्शन में से कोई चूज करना है, तो जो पीजीडीसीए, एडीसीए, बीसीए, बीटेक, अदर ब्रांचेस, सीएस और आईटी को छोड़ के हैं, वो सभी लोग डिप्लोमा एंड डिग्री वाला ही पर ही टिक मारेंगे, ठीक है। बाकी जिनके पास ट्रिपल सी है तो वो ट्रिपल सी मार सकते हैं, ओ लेवल मार सकते हैं। अगर आप बीटेक में हो, बीटेक भी किए हो और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट वाले भी हो, तो आप ट्रिपल सी वाला मानना, ठीक है। अब आती है बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जब प्रोसेस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला होगा, उस समय क्या होगा कि आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा, ये ध्यान रखिए, एक फॉर्म भराया जाएगा, सेम हू बहु ऐसा ही फॉर्म होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जैसा आप लोग अभी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, वहां पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो कंप्यूटर वाला दिया रहेगा वहां पे भी आपको यही टिक मारना है जो अभी मारेंगे फॉर्म में, ठीक है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो मैंने बताया, चाहे पीजीडीसीए, एडीसीए, चाहे बीटेक, अदर ब्रांच सीएस एंड आईटी के हैं, वो भी वही चीज मारेंगे जो यहां पे लिखा है, डिप्लोमा एंड डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। फिर वो क्या होगा, जजों का जो है बोला जाए बेंच बैठता है, वो डिसाइड करते हैं, और 2017 जो 18-19 वाली जो वैकेंसी आपकी रही है उसमें जज ने डिसाइड किया था, जितने भी सीएसआईटी को छोड़ के अदर ब्रांचेस थे जो अपने डिग्री में चाहे ग्रेजुएशन में चाहे 6 महीना या 1 साल का कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, उन सभी को एलिजिबल कर दिया गया था, उन सभी को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया था। तो यहां घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग बेहिचक इसको क्या करना है, इस वाले पर जाना है आपको, अगर आपके पास ट्रिपल सी और ओ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रिपल सी वाला और ओ लेवल वाले पर टिक मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनका कुछ भी नहीं मिल रहा है, ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट है, वो पहले वाले को चूज करेंगे, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया, बाकी जितने भी आपके डाउट हैं आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपके जो भी फॉर्म में दिक्कत आ रही है वो सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्म बहुत अच्छे से भरना है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी। एक बात और मैं बता दे रहा हूं कि जब फॉर्म फिल करना है तो इसी के जस्ट नीचे पेपर का लैंग्वेज दिया हुआ है। अब वहां बच्चे पूछ रहे हैं, सर ये पेपर लैंग्वेज क्या दिया है, पेपर का लैंग्वेज एक्चुअली एनटीए क्या करती है, पहले ही पूछ लेती है आपसे कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, ठीक है। तो वहां पे पेपर का लैंग्वेज चूज करना है तो ये बहुत सावधानी से करना, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो आप पे वही बाद में ये लैंग्वेज नहीं चेंज होगा, ये ध्यान रखना। अगर आप हिंदी में पेपर देना चाहते हो तो लैंग्वेज हिंदी चूज करना, अगर आप पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश चूज करना, क्योंकि जब पेपर देने जाओगे तो वहां कोई लैंग्वेज का चेंज का पॉसिबल नहीं है कि वहां लैंग्वेज आपका चेंज होते, इन चीजों को ध्यान में रखना, तब जाके फॉर्म फिल करना। और जहां भी डाउट आए तो जरूर कमेंट में कमेंट कर देना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन आपको टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले एफएक्यू सेशन में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।